नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में, जहां पर अभी हम बात करने वाले हैं हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों के सबसे बड़े महासर्वे के बारे में। और आपको बताएंगे कि कौन से राज्य में किस पार्टी की सरकार यानी कि सत्ता पर कौन आएगा, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा राज्य का मुख्यमंत्री। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कौन से राज्य में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर जाएगी और कौन सी पार्टी सबसे कम सीटों पर ही अटक जाएगी, किसको कितनी सीटें और किसको मुख्यमंत्री बनाएगी सरकार। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी के बारे में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना बगाए देखिएगा, क्योंकि हर एक बिंदु हर एक पॉइंट इस वीडियो में जो कंसीडर किया गया है वो एकदम सही और सटीक है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक निरंतर देखते रहिएगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एजुकेशन इंडिया चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आप पाएंगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले और चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने से वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए उसके साइड वाले घंटी के निशान को भी, ताकि आपको बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते जाइएगा, क्या लगता है आपको इस बार भाजपा जीतेगी या कांग्रेस, क्योंकि आपके कमेंट को चुनकर हम अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से ओपिनियन देखने को मिलने वाला है, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक राज्य की सबसे सटीक जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में हमने सट्टा बाजार प्लस सबसे बड़े ओपिनियन पोल को कंसिडर किया है, जिसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ओपिनियन पोल प्लस सट्टा बाजार किसको जिता रहा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य में टोटल 90 सीट्स यानी कि 90 सीटें हैं, 90 में से लगभग 74 या 75 सीटें भाजपा के पक्ष में आ रही है, यानी कि 74 से 75 सीटों पर भाजपा विजय हो रही है। उसके बाद आती है कांग्रेस, कांग्रेस मात्र 8 या 9 सीटों पर ही देर हो जाएगी, यानी कि दहाई के आंकड़े को भी नहीं पहुंच पाएगी। बात की जाए उनके बाद बाकी बची हुई सीटों की, तो INLD, JJP और निर्दलीय के जो नेता है वो लेकर जाएंगे। यानी कि अगर बात की जाए बहुमत की, तो भाजपा बहुमत से तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि करीबन 80 से 85% सीटें भाजपा के पक्ष में जा रही है। बात की जाए अगर बहुमत की, तो 46 सीटें जिसके पक्ष में आती है वो बहुमत के साथ राज्य में अपनी सरकार बना सकता है, क्योंकि जो 90 सीट से उनकी हाफ की जाए तो 45 सीटें होती है, उससे एक प्लस किया जाए तो 46 सीटों पर एक सरकार बन सकती है, जो कि सरकार बन रही है। तो अब हम बात करेंगे भारत के एक बड़े राज्य की, जिसमें विधानसभा चुनाव होने वाला है आने वाले दिनों में, 21 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, वो राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें है, और 288 सीटों का अगर बहुमत की बात की जाए तो 145 सीटें होती है, यानी कि 144 प्लस 1 50% प्लस 1 सीट और 145 सीटें। बात की जाए महज भाजपा की, तो भाजपा 150 से 160 सीटें अकेले के दम पर ले जा रही है। वहीं बात की जाए उसके सहयोगी पार्टी की, तो सहयोगी पार्टी शिवसेना है जो कि 55 से 56 सीटें ले जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि दोनों के अगर टोटलिंग की बात की जाए तो 205 से 206 सीटें भाजपा प्लस गठबंधन के हाथों में जाने वाली है। बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 23 से 24 सीटें ही मिल रही है, वह इनके जो सहयोगी है उनको 24 सीटें मिल रही है, 24 से 25 सीटें, यानी कि दोनों की अगर बात की जाए कांग्रेस के गठबंधन की, तो 49 या 50 सीटों के भीतर ही रह जाएंगे, यानी कि दोनों का गठबंधन सिर्फ शिवसेना से ही मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो भाजपा तो दूर की बात है। यानी कि सरकार भाजपा प्लस गठबंधन की बननी निश्चित है दोनों ही राज्यों में, और हरियाणा में अकेले के दम पर भाजपा की जो सरकार है वो बन रही है, और महाराष्ट्र में हो सकता है शिवसेना का साथ
साथ लेना पड़े, यानी कि भाजपा प्लस गठबंधन की सरकार बनना तय हो चुकी है। तो इस प्रकार से दोनों राज्यों का महासर्वे, जहां पर हमने आपको सत्ता बाजार प्लस ओपिनियन पोल सब कुछ मिलाकर एक बड़ा ओपिनियन दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, वीधियो को लाइक करके दर्शा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।